बिलासपुर में नशे के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस कर्मियों के निर्देश दिए गए हैं कि वे नशे के सौदागरों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई के लिए तैयार रहें और किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब और हिमाचल सीमा पर बढ़ रहे नशे की तस्करी पर भी लगाम लगाई जाएगी ताकि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जिला बिलासपुर में नशाखोरी के खिलाफ व्यापक कार्रवाई हो सके। ये बात जिला बिलासपुर के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा ने माता नैना देवी के दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। बिलासपुर में नशे के काले कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नशे के सौदागरों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई के लिए तैयार रहें और किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब और हिमाचल सीमा पर बढ़ रही नशे की तस्करी पर भी लगाम लगाई जाएगी ताकि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जिला बिलासपुर में नशाखोरी के खिलाफ व्यापक कार्रवाई हो सके। ये बात जिला बिलासपुर के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा ने माता श्री नैना देवी के दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। इससे पहले एसपी बिलासपुर दिवाकर शर्मा ने माता रानी का आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की और मंदिर न्यास की तरफ से उन्हें माता की चुनरी और प्रसाद भेंट किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार बड़ी तेजी से फैल रहा है और जिला बिलासपुर भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब सीमा के साथ साथ सटे थाना कोट का भी दौरा करेंगे और पुलिस कर्मियों को पंजाब और हिमाचल सीमा पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि जो नशे का कारोबार पंजाब से हिमाचल में चल रहा है उस पर पूरी तरह से लगाम कसी जा सके। उन्होंने कहा कि माता रानी का उन्हें आशीर्वाद मिला है तो वे लोगों के कल्याण में आम लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे जिससे हमारे युवा इस जानलेवा नशे से बच सके। जिला पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने माता श्री नैना देवी मंदिर का दौरा भी किया और कहा कि माता श्री नैना देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना ये पुलिस का जिम्मा है और वह श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु नवरात्रों के दौरान और आम दिनों में भी श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु कृत संकल्प रहेंगे। इस मौके पर डीएसपी नैना देवी, संजय शर्मा, चौकी प्रभारी नीलम शर्मा, होमगार्ड के इंचार्ज मंगत कुमार और पुजारी ललित मोहन भी मौजूद रहे। पूरे प्रदेश भर में नशे की समस्या है और डेफिनेटली बिलासपुर में भी नशे की समस्या है। बिलासपुर जो है वो पंजाब के साथ लगता है। आज मैं थाना कोर्ट में आया हूँ और डेफिनेटली थाना कोर्ट जो है वो पंजाब के साथ सटा हुआ है। तो मैंने अपने सभी समस्त जो हमारे पुलिस SHOs हैं, हमारे DSP हैं, मैंने उनको आदेश दिए हैं कि इसमें कार्रवाई करें और जो ये नशे है ये वाकई में जो आज की युवा है उसको ख़राब कर रहा है, तो डेफिनेटली हम इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। जी सर, दूसरा आप नैना देवी का दौरा सर आपका, तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस हमेशा सचेत रहती है, तो उसको क्या लेकर सर आपका प्लान किया सर आगे का? बिल्कुल, जो हमारे पुलिस कर्मी हैं जितने भी श्रद्धालु आए हैं पूरी सेंसिटिविटी के साथ उनके साथ डील करें, तो डेफिनेटली हम इस तरफ ध्यान देंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।